नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा यादु और आज है मेरे साथ राइटर डायरेक्टर मिस्टर तपेश जैन। इन्होंने अब तक की 5 किताबें लिख चुकी है, इनमें से है छत्तीसगढ़ कल और आज, छत्तीसगढ़ के सिनेमा के 50 साल, छत्तीसगढ़ की झांकी। इन्होंने अब तक 40 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, जिनमें से है जय माँ बम्बलेश्वरी, जय माँ दंतेश्वरी और जय माँ महामाया। चलिए जानना चाहेंगे आगे फ्यूचर में तपेश जी क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा यादव जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि अनुराधा यादव जी ने किया है, एमटेक किया है, इसके साथ में अभी एक स्कूल में टीचर भी हैं, पढ़ाती हैं। अनुराधा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य तो ऐसा है कि चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ की हमारे। मैं एक कैंपेन में लगा हुआ हूँ, जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा मुझे लगा कि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जहाँ पर हम नेताओं से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, जहाँ लोग पैसा लेकर वोट देते हों वहाँ के नेता ईमानदार कैसे हो सकते हैं। ये बड़ा ही कठिन सवाल है, बहुत ही तकलीफ देह है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक व्यवस्था है जहाँ, जिसकी वजह से नेता अपने आप में भ्रष्ट होना उसकी मजबूरी है। वो काम नहीं करता कुर्सी आने के बाद में, क्योंकि वो जानता है कि देश के बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं पैसा लेकर वोट देते हैं। एक कैंपेन चलाना चाहता हूँ कि अपने जो चुनते हैं सरकार को, आपके ऊपर में पैसा खर्चा करें तो वो पैसा लेकर वोट ना दें, ये कैंपेन मैं चलाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप राइटिंग, पत्रिका एंड डायरेक्टरिंग कैसे कर लेते हैं? ये सारी चीज़ें फिल्में भी करते हैं, इवेंट भी करते हैं, जर्नलिज्म भी करते हैं, तो ये इस तरीके से करते हैं कि हम लोग को एक बड़ा वो लगा कि शौक लग गया कि हमको नया नया करना चाहिए करके। नया नया करने के दिमाग में आता है तो यार एक काम किया तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि अब ये हो गया है, अब इसको छोड़ के कुछ और नया करते हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन इसके साथ में चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग फोकस होकर काम करते हैं, जो भी काम एक समय में पकड़ते हैं तो एक ही काम को करते हैं, दूसरे काम को ध्यान नहीं लगाते हैं, इसलिए वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और लगता है कि ईश्वर की कृपा है कि अब तक 100 से ज़्यादा इवेंट हो गया, 1000 एंकरिंग हो गई होगी, फिल्में बना लिए, आपने जैसे बताया कि 5 किताबें और 40 डॉक्यूमेंट्री, इस हिसाब से कर पाए। चलिए, तो ये बताइए आगे आप नई पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नई पीढ़ी को कामयाबी की, कामयाबी को, नई पीढ़ी जो है, जैसे मैंने कहा कि ग्राफ होता है, अगर वो सीधा जाएगा तो सीधा नीचे आएगा, अगर धीरे से अगर आगे बढ़ेगा तो आदमी का डाउनफॉल भी धीरे से आएगा। नई पीढ़ी के अंदर में सब्र नहीं है और टाइम नहीं है, उनको लगता है कि रातों रात सफलता मिल जाए, जो बीच पाना चाहते हैं वो तुरंत तुरंत पाना चाहते हैं, चाहे कैरियर के मामले में हो चाहे किसी और मामले में। तो मुझे लगता है कि उनको धैर्य रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ईमानदार से अपने काम पर फोकस होकर मेहनत करना चाहिए, ये नई पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा तपेश जी से बात करके। चलिए तपेश जी, आपको छत्तीसगढ़ी में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं छत्तीसगढ़ी में एक बात ही बोलना चाहूँ कि जय जोहर, आप सब मन के एक मिट्टी में जन्म ले हैं, एक मिट्टी में हमारे मन के निर्वा गढ़े हैं। ओके, जय जवान।